उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा और आप खुशहाल हो देश के बाकी हिस्सों की तरह। ये रजौरी और पूंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त तो हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए एमपी चुनकर जाए और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी। माताओं भाइयों बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि तीन परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो इतनी दो भक्ति धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है, आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और फिर से अंत में भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके अधिकारों को। ये तीन परिवारों ने अब तक आपसे छीना है, ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत।